मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक मुझे जो और खतरनाक चीज नजर आ रही है, एक दो गैर जिम्मेदार वो वजीर जिनको अकल भी नहीं है, समझ भी नहीं है, उनको पूरे ना समझ आए अफगानिस्तान का सिचुएशन क्या है, ना उनको हमारे ये बॉर्डर एरियाज में मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का पता क्या है, वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में जाके हमले करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। ये आप गौर से समझ लें कि अगर ये हुकूमत, अफगानिस्तान की जो हुकूमत आई है, इसने सिर्फ हमारे से कॉपरेशन करना ही बंद कर दिया जो हमारे साथ पूरी तरह कर रहे थे, उसका असर ये होगा कि ये फिर अगर ये शुरू हो गई दहशतगर्दी की या जंग, तो ये चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं उसके बाद। क्योंकि अगर वो वहां बाढ़ तो कई जगह से तोड़नी शुरू हो गए हैं, तो क्यों नहीं बात की अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ, क्यों नहीं अभी तक पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है, वो मुसलसल कहीं फिरता, कभी कहां देखते हैं कभी कहां देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो अफगानिस्तान जाना चाहिए था उसको, हमने शाह महमूद कुरैशी को आते साथ ही अफगानिस्तान भेजा था, हमने उससे बातचीत की थी, हम हर चीज के ऊपर वो कॉपरेट करने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर आपने इस वक्त उनके साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए अजाब बन जाएगी, ये वॉर ऑन टेरर, ये जो अब नई अपनी वॉर ऑन टेरर हम शुरू कर रहे हैं।